नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं इंडोनेशिया ओपन में खेले जा रहे मुकाबलों में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन कैसा रहा। मैन सिंगल में जहां एचएस प्रणय और लक्ष्य सेन के बीच में खेले गए मुकाबले में एचएस प्रणय ने लक्ष्य सेन को सीधे सेटों में 21-10, 21-9 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। वहीं एक अन्य मुकाबले में मेडल के प्रबल दावेदार किदंबी श्रीकांत फ्रांस के खिलाड़ी से सीधे सेटों में 23-21, 21-10 से हार कर बाहर हो गए। अगर हम मैन डबल की बात करते हैं तो एमआर अर्जुन और ध्रुव कपिला की जोड़ी ने जापानी जोड़ी को हरा कर अगले राउंड में जगह बनाई, पर वो मैन डबल में आज भारत के दो मुकाबले थे जहां पहली जोड़ी अश्विनी भट्ट और गौतम सिक्का की जोड़ी चाइनीज जोड़ी से सीधे सेटों में 21-9, 21-10 से हार कर बाहर हो गई। वहीं एचएम हर्षिता और असमा रॉय की जोड़ी कोरिया की जोड़ी से सीधे सेटों में 21-9, 21-8 से हारकर बाहर हो गई। अब बात करते हैं कल के मुकाबलों की। कल प्री क्वार्टर फाइनल में खेले जाने वाले मुकाबले इस प्रकार हैं। कल मैन सिंगल में जहां समीर वर्मा का मुकाबला छठवीं वरीयता प्राप्त मलेशिया के खिलाड़ी ली जी जिया से होगा। अभी तक दोनों खिलाड़ियों के बीच 6 मुकाबले हुए हैं, जहां ली जी जिया ने 4 मुकाबलों में जीत हासिल की, वहीं समीर वर्मा 2 मुकाबलों में जीत हासिल करने में कामयाब रहे। मैन सिंगल में दूसरा मुकाबला प्रणय एचएस और हांगकांग के खिलाड़ी के बीच में होगा। अभी तक खेले गए मुकाबलों में जहां हांगकांग के खिलाड़ी ने 4 बार जीत हासिल की, वहीं एचएस प्रणय ने 3 बार जीत हासिल की है। अगर हम मैन डबल की बात करते हैं तो एमआर अर्जुन और ध्रुव कपिला की जोड़ी का मुकाबला चाइनीज जोड़ी से होगा। अभी तक दोनों टीम के बीच में कोई भी मुकाबला नहीं खेला गया। वुमेन डबल में अश्विनी पोनप्पा और एन सिक्की रेड्डी का मुकाबला नंबर 1 वरीयता प्राप्त चीन की जोड़ी से होगा। दोनों टीम के बीच अभी तक 2 मुकाबले हुए हैं, जहाँ दोनों मुकाबलों में चाइनीज खिलाड़ी ने जीत हासिल की है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।